हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। आज की वीडियो में मैं आपको एक टॉप को बेबी गर्ल की बहुत ही सुंदर ड्रेस में कन्वर्ट करना बताऊंगी। तो ये मेरा टॉप है, इसका मैं 5 साल की गर्ल के लिए पेपलम 1 शोल्डर टॉप और स्कर्ट बनाऊंगी। इस पूरे टॉप की लेंथ 33 इंचेस है और इसमें ऊपर की तरफ नेक पर फ्रंट और बैक दोनों तरफ एक बहुत ही अच्छी फ्रिल लगी हुई है। इसका यूज हम अपने टॉप में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्कर्ट बनाएंगे और स्कर्ट के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस इसकी लेंथ के हिसाब से ऊपर से कट कर लेना है और ये ऑलरेडी बना हुआ है। स्कर्ट की लंबाई हमें 23 इंच चाहिए है और ये ऑलरेडी 21 है। इसमें 2 इंच का हम बेल्ट लगा लेंगे तो इसकी लेंथ कवर हो जाएगी। ये जो टॉप है इसकी लेंथ ऊपर से ज़्यादा है, इसलिए हम जो नीचे स्कर्ट बनाएंगे उसमें हम बेल्ट अलग से नहीं लगाएंगे। इसी को बीच से कट करके और ऊपर से इसको फोल्ड करके बेल्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं। इसकी लेंथ 21 इंचेस है। अब बेल्ट भी हम निकालेंगे इसी में, ये मैंने 3.5 इंच पर रखा है। अब इसको कट कर लेते हैं। तो ये कट हो चुका है। ये जो स्ट्रैप्स हैं इसको भी निकाल देंगे, तो ये मैंने निकाल दी है। अब जो ये खुला हुआ है इसको वापस से सिल देंगे दोनों तरफ से और इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए बेल्ट बना लेंगे इस तरह से। नीचे ये पीको ऑलरेडी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब हम ऊपर इसको रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने इसका बेल्ट रेडी कर लिया है, ये इस तरह से आएगा। अब हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। तो ये मैंने इलास्टिक डाल दी है और ये स्कर्ट बनकर रेडी हो चुका है। इसके बाद हम टॉप बनाएंगे। तो ये मैंने जो कट किया है इसमें बहुत ही अच्छी फ्रिल लगी हुई है, इसको हम निकाल देंगे और इसकी स्लीव्स भी निकाल देंगे। तो ये मैंने स्लीव्स कट कर ली हैं और इसकी फ्रिल भी निकाल दी है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले इसकी चौड़ाई देख लेते हैं, जो 17 इंचेस है और इसकी लंबाई 12 इंचेस। अब इसको रॉन्ग साइड पर टर्न कर लेते हैं। तो अब जो नेक की गहराई है वहां से हम आर्म होल तक एक शेप देंगे इस तरह से। इसकी लेंथ हम 10 इंच रखेंगे। हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे सिलाई के लिए। अब इसको फोल्ड कर लेते हैं। इसका चेस्ट 22 इंचेस है। तो सबसे पहले हम मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर और अब जो 22 इंचेस है उसका फोर पार्ट 5.5 इंच आएगा, 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और अब हम इसको कट कर लेंगे। ये शोल्डर भी कट करेंगे। और यहां से भी कट करेंगे।
पीछे ये वी शेप था, तो अब हम इसको एक शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब हम आगे के पार्ट को रखेंगे और इसके ऊपर पीछे का पार्ट रखेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे, जो हमने आधा इंच सिलाई के लिए रखा था उस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है, इसको सीधा कर लेते हैं। इसके बाद ये जो खुला हुआ हिस्सा है हमने कट किया था, इसके ऊपर एक पट्टी लगाएंगे इस तरह से। ये मैंने पट्टी ली है, ये 1.5 इंच की पट्टी है, इसकी चौड़ाई इस तरह से लगाएंगे इसको। स्टॉप को सीधा रखते हैं। ये पट्टी हमें वहीं तक लगानी है जहां तक कट है, उसके बाद हम इसको मोड़ देंगे। यहां से इसको कट कर लेंगे, 1/2 इंच छोड़ देंगे। यहां से हम इसको मोड़ देंगे इस तरह से, और अब इसको पीछे पलट देंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। और पीछे की तरफ हम पट्टी को फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड, और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये इस तरह से आएगी। इसी तरह हम पीछे साइड भी कर लेंगे। तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ पट्टी लगी हुई है। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे और दोनों तरफ फिटिंग करेंगे जो हमने निशान लगाया था। तो ये हमारी फिटिंग हो गई है। तो ये इस तरह से आएगा। और अब हम इसमें पीछे एक कट लगाएंगे बीचों बीच आई हुक के लिए। आप चाहें तो जिप भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने आई हुक की पट्टी लगा दी है। इसके बाद हम इसमें जो फ्रिल थी उसको लगाएंगे। ये आर्म होल पर लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें टॉप को इस तरह सीधा कर लेना है, इसके किनारे से लगाएंगे हम। और ये जो फ्रिल है इसको हमें उल्टा रखना है, फ्रिल को हम ऊपर की साइड रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से टर्न कर देंगे। तो अब इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। फ्रिल को आगे की तरफ डबल फोल्ड करेंगे, आप चाहें तो पीको भी कर सकते हैं। तो इस पर सिलाई लगा देते हैं। जो एक्स्ट्रा फ्रिल है इसको कट कर देंगे और इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये फ्रिल पीछे की तरफ खुली हुई रहेगी। तो ये इसको सीधा कर लेते हैं।
ये नेट है, इसलिए जो सिलाई हमने की है वो इस तरह से दिख रही है। तो अब हम इसको ऊपर की तरफ टर्न करेंगे, इस तरह से सिलाई को हम ऊपर की तरफ टर्न करेंगे और इसके ऊपर से किनारे से सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लग चुकी है और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम जो बची हुई फ्रिल है उसको आर्म होल पर लगाएंगे। तो ये बची हुई फ्रिल है, इसमें हम प्लेट्स डाल लेंगे। ये इस तरह से लगेगी, इसको हम रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, टॉप सीधा रहेगा। और इस तरह से फ्रिल को हम उल्टा करेंगे और इसके किनारे से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इसको टर्न करेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब जो हमने स्ट्रैप्स निकाली थी उसको हम दूसरे शोल्डर पर अटैच करेंगे। इसकी लेंथ ज़्यादा है इसलिए इसको कट कर लेते हैं। तो इसको हम 16 इंच पर रखेंगे। तो इसको हमें इस तरह आर्म होल से रखना है और 7 इंच पर हम इसको इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी स्ट्रैप भी लगा लेंगे। तो ये मैंने दोनों स्ट्रैप्स लगा दी हैं और ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं। ये पीछे से इस तरह से आएगा। आप पीछे इसमें जिप भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।